Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Hijabis Beauty Glam World. तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं महरीन खान, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आती है रोज़ नई वीडियो अबाउट DIY, अबाउट होम रेमेडीज और इसके अलावा मेकअप ट्यूटोरियल भी। खैर क्योंकि विंटर आ चुकी हैं तो मैंने सोचा क्यों ही वीडियोस अपलोड की जाएं, इसीलिए मैंने सबसे पहले हैंड एंड फीट क्रीम तैयार कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बनाने लगे हैं ये लिप स्क्रब। लिप स्क्रब क्यों ज़रूरी है, ज़्यादा फील होती है जिसकी वजह से हमारे लिप भी फटना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राइनेस फील होती है और कभी कभार ब्लैक भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की DIY लिप स्क्रब जो मैं बनाना सिखाऊंगी वो इन सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूं। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर, वाइट शुगर। आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर जो है वो एक्सफोलिएट करेगी लिप्स के तमाम डेड स्किन को और ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो जाती है उसको भी बेटर करेगी। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा। इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए वो है हनी आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगा। इसके अलावा आप कोई भी असेंशन ऑयल के ड्रॉप्स ले सकते हो या फ्लेवर के लिए लेमन के ड्रॉप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेमन का ड्रॉप ले रही हूँ फॉर एडिंग अ फ्लेवर। अच्छा, इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए होगी आई रोज़ पेटल्स। मैंने रोज़ पेटल्स को ड्राई कर लिया था और फिर इसको अच्छे से मैश करके इसका पाउडर बना लिया है, तो ये भी हम ऐड करेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक कंटेनर जो कि जिसमें हम ये सारा लिप जो स्क्रब है जो हम बनाएंगे वो इसमें सेव कर लेंगे। आप ये इजीली मार्केट से भी मिल जाता है और अगर आप तो आप वो भी यूज़ कर सकते। शुगर को ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि मेरी जो शुगर है थोड़ी सी मोटी है, तो उसको मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाऊँगी, बस हल्का सा ग्राइंड करूँगी ताकि इजी हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने शुगर को ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑलिव ऑयल। मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर ये ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वही चीज़ और उसी ब्रांड की चीज़ आप यूज़ करो। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हनी का भी मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। आप लोगों की जितनी क्वांटिटी में उसी लिहाज से आप हनी को भी ऐड करो, क्योंकि अभी मेरी क्वांटिटी कम है तो मैं 1 टेबल स्पून वो आपकी ब्लैकनेस जो लिप्स पे हो रही होती है उसको भी ख़त्म करने में हेल्प देता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हनी। आप अपने अंदाजे, अगर आपका कम है तो आप अपने अंदाजे से कम भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी गाइज, मुझसे हो गए कुछ क्लिप्स डिलीट, तो आगे का जो प्रोसीजर है मैं आपको वो वर्बली बताऊंगी। होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब मैंने शुगर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर ऑलिव और हनी ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें थोड़े से रोज़ पेटल के जो पाउडर ड्राई किया था वो ऐड किया और इसके अलावा मैंने लेमन के कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर दिए और उसको अच्छे से मिक्स करके इस कंटेनर में सेव कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जब भी लाइक स्किन केयर रूटीन या आपको जब भी ड्राइनेस फील हो रही होगी आपने इस तरीके से स्क्रब लेना है और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको अच्छे से मसाज करना है। 5 मिनट तक का आपने मसाज करना है, उसके बाद इसको रिमूव कर देना है। आप वाइप से भी रिमूव कर सकते हो या आप अपना फेशियल जो स्पंज होता है उससे भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इसको मसाज करना है क्योंकि अगर आप इसको बहुत रगड़ोगे तो आप लाइक और आपके जो होंठ हैं वो फट सकते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इसका मसाज करना है। 5 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर देना है और उसके बाद लिप बाम आपने अप्लाई कर लेना है। स्पेशली आप ये रात में करो, लाइक स्किन केयर जो आपकी रात की स्किन केयर रूटीन हो उसके अंदर इसको शामिल कर लो तो आपको 1 वीक में ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहती हूँ मेरी बनाई हुई वीडियो आपको आएगी पसंद और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और दफ़ा मैं फिर से सॉरी करूँगी जो क्लिप्स मुझसे हो गई हैं डिलीट। होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ अपने राय का भी ज़रूर इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं।
नेक्स्ट वीडियोस आप किस हवाले से देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।